हेलो एवरीवन आई एम यामिनी वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल सो इन टुडे सेशन वी विल बी स्टडींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेशन हमने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स वो कितने टाइप्स का होता है और कौन-कौन से जो ऑर्गेनिजम्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं इस सेशन में हम लोग मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पहले एक बारी हम बारेक्ल रिप्रोडक्शन की एक ब्रीफ क्विक ले लेते हैं तो क्विक रिविजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एसे, है? of है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफ प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने से. क्युं? पेरेंट से क्यों क्योंकि दो पेरेंट्स का अगर फ्यूजन नहीं हुआ है दो गैमेट्स का अगर फ्यूजन नहीं हुआ है तो वेरिएशन कैसे आएगी एक ही पेरेंट जो है टूट के दो में डिवाइड हो रहा है तो वो सिमिलैरिटी ही जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और ए रिप्रोडक्शन हमारा होता किस किस में है हमारा ए रिप्रोडक्शन होता है सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में इसके टाइप्स क्या क्या हैं सबसे पहले था बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एनसन स्पोरुलेशन एंड मोर तो हमने इन सब जो है मेथ टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था है ना टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बेसिक जो फंडामेंटल होता है सब में यही होता है कि एक ही पेरेंट जो है आगे प्रोजेनी को गिव राइज कर रहा है पर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर वो एनिमल्स में हो तो उसी अकॉर्डिंग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हमें दिखाई देता है वेरिएशंस दिखाई देती हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इधर बाय द सेम और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स ऑपोजिट सेक्स से ही ऑपोजिट मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं ज गैमिट्स द फ्यूज टू फॉर्म दाइगोट एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये जो हमारे ऑर्गेनिजम है ये ही फ्यूज करके बनाते हैं हमारा जाइगोटाइगोट कैसे बनता है बाई द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स अब मेल और फीमेल गैमेट्स अगर यूनियन यूनाइट हो रहे हैं यूनाइट हो रहे हैं तो कुछ कैरेक्टर्स मेल में होंगे ये हमारा मेल हो गया और कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो है फीमेल में होंगे अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे एक हाइब्रिड बनाएंगे जिसके अंदर आधा जो है फीमेल का पार्ट होगा और आधा हमारा मेल का पार्ट होगा तो ये जो हमारा ऑस्प्रिंग बनता है ऑस्प्रिंग के अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं मेल और फीमेल पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे बेसिकली हम लोग हाइब्रिड बुलाते हैं इसे हम लोग हाइब्रिड बुलाते हैं क्यों क्योंकि कुछ पार्ट पापा का लेके आ रहा है और कुछ पार्ट अपना मदर का लेके आ रहा है तो वो ज्वाइन करके एक न्यू हाइब्रिड बनाता है पर यह बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है एस कंपेयर टू ए सेक्शुअल रिपोडक्शन जो की मैंने अभी आपको बताया बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्शुअल रिपोर्डक्शन रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल

जैसे कि क्या होता है हमारे इसमें ह्यूमन्स में प्यूबर्टी होती है प्यूबर्टी पे ही जो है वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उससे पहले वो लोग सेक्शुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग है ना दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ जिस टाइम पे ग्रोथ हो रही है उससे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज और इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन द प्लांट्स ह्यूमंस के अंदर क्या होगा हमारा या फिर एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज और प्लांट्स के अंदर होगा हमारा वेजिटेटिव फेज इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ दिस फेज इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गैनिज्म सबके अंदर जो है ये डिफरेंट होता है कई कई मेच्योर होते हैं ह्यूमन्स होते हैं जैसे एटीन ईयर्स में है ना एडोलसेंस का बात ही है एटीन ईयर्स में कुछ कुछ एनिमल्स जो है पहले मेचोरिटी जैसे जो हमारा एनिमल अगर हम लोग कंसिडर करें तो जैसे डॉग्स होते हैं डॉग्स पहले ही मिचौर हो जाते हैं और वो पहले ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट्स पहले ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं ह्यूमंस 18 इयर्स के बाद यानी प्यूबर्टी के बाद ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं प्लांट्स एनुअल बायनियल एंड पेरिनियल टाइप प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं हमारे एनुअल बायनियल और पेरिनियल एनुअल का मतलब जो प्लांट्स ट रिप्रोड्यूस वंस अ ईयर जो एक साल में एक ही बारी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं पर पेरिनियल के अंदर क्या होता है ये फेजेस नहीं दिखाई देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज एनुअल बाएनियल जो है वो ये दिखा देते हैं हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट फेज बट पेलेनियल स्पीशीज जो होती हैं वो ये तीन फेजेस नहीं दिखाती है क्या होते हैं तीन फेजेस वेजिटेटिव हो गया हमारा ग्रोथ फेज फिर आ गया हमारा रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज हो गया ओल्ड फेज जब रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो प्लांट्स कौन से कौन से फेजेस शो करते हैं हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट एनुअल और क्या होते हैं एनुअल वो होते हैं जो साल में एक ही बारी जो है रिप्रोड्यूस कर पाते हैं प्लांट्स होते हैं जो इयरली मतलब ईयर में दो टाइम दो टाइम जो है फ्लावर करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं और पेरेनियल वो होते हैं जो वंस इन टाइम जो है रिप्रोड्यूस करते हैं

बारह 12 12 साल में नीला करंजी करता है और बैंब कब करता है पचास से सौ साल के बाद रिप्रोड्यूस तो है? uh, करते हैं साल में दो बारी करते हैं और पेरेनियल वो हो गए जो रिप्रोड्यूस करते ही रहते हैं तो तीनों तीनों तीनो टर्म्स जो है क्लियर है आगे चलते हैं द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स दे एग्जिबिट साइक्ल चेंजेस जैसे कि हमारे अंदर जो है मैंसेज आते हैं वैसे ही और प्लासेंटल मैमल्स के अंदर क्या आता है हमारा ईस्ट्र साइकिल आता है हमारे अंदर मैंस्ट्रल साइकिल आता है उनके अंदर ईस्ट्रल साइकिल आता है ये क्या होता है चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज हर महीने ऐसे जो होता है ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो हमारी आगे जाके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है इसी टाइम में बट अगर इस टाइम में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो मैंस्टुरल साइकिल की फॉर्म में ब्लीडिंग हो जाती है ऐसे ही क्या होता है नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं हमारे रैड्स डियर्स डॉग्स टाइगर्स उनके अंदर क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल होती है उनके अंदर क्या होता है ईस्ट्रल साइकिल ईस्ट्रल साइकिल तो मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रल साइकिल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दे बोथ आर द सेम दे कॉज व्हाट दे कॉज द चेंजेस इन द ओवरीज ओवरीज के अंदर चेंजेस लाते हैं और साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मतलब हर टाइम पीरियड के बाद जो है रिपीट होते हैं हमारे अंदर वंस इन अ मंथ होता है तो इनके अंदर वंस इन 5 टू 6 मंथ्स होता है तो वैसे ही होता है पर साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन ईस्टर साइकिल जो होती है वो सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही एक्सिबिट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तभी इनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं और हम क्या होते हैं हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं क्योंकि कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्यों होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि हमारी जो मंथली साइकिल जो है वो रिपीट होती है हमें फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के हिसाब से नहीं होती पर जो हमारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है सीजन के हिसाब से ईश्वर साइकिल होती है अगर सीजन जो है फेवरेबल होगा तो ही ईश्वर साइकिल होगी और वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होगा तो एक तरीके से वो सीजनल ब्रीडर्स ही हो गए ना सीजनल ब्रीडर्स ही हो गए और हम क्या हो गए हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स हो गए कि वी साइकिल वी आर साइकिल इज रिपीटेड एवरी मंथ तो हम लोग जो है कंटिन्यूस ब्रीडर्स हो गए ये एग्जाम्पल है हमारे कुछ सीजनल ब्रीडर्स के सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस हॉर्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिटवीन द थ्री फेजेस इंटरैक्शन बिटवीन द हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे मैं आपको अगर बताऊं मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेस्टरॉन ईस्ट्रोजिन एल एच एंड एफ एस एच ये हॉर्मोन्स जो है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उसके अलावा हमारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो इससे क्या पता चलता है कि हॉर्मोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेजेस और हॉर्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इकट्ठा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ही जो है इनको रेगुलेट करता है इन साइकिल्स को द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर आर इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स दे फॉलो रेगुलर सीक्वेंस जैसे कि मैंने बताया अगर साइकिल हो रही है तो वो मंथली रिपीट हो रही है एक सीक्वेंस है का वैसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का भी एक सीक्वेंस है सबसे पहला हमारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन दूसरा आता है हमारा फर्टिलाइजेशन और तीसरा आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीन इवेंट्स जो है इस फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में चलते हैं सीक्वेंस के अंदर जो है ये मूव करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग बताया गया है कि एलैबोरेटर कॉम्प्लेक्स तो है ये प्रोसेस बट ये क्या होता है मेल एंड और फीमेल फ्यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ जाइोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर कन्वीनियंस दीज सी में बी ग्रुप्ड इन टू थ्री डिस्टिंग क्लासेज नेमली द प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे कि आप देख सकते हैं एग और स्पर्म का बनना हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है जाइगोट का बनना हमारा मेन फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का बनना हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि तुम्हें याद रहे कि प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट क्या डिफरेंस होता है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि तुम्हें भी अच्छे से जो है मेमोराइज हो जाए कि क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो होते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और हमारा गैमेट ट्रांसफर क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट्स को पास लाना मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि फ्यूजन के लिए उनको जो है पास लाना ब्रिंगिंग टूगेदर हम यहां पे लिख सकते हैं ब्रिंगिंग टूगेदर ऑफ मेल फीमेल एंड मेल गैमेट ये क्या होता है हमारा ये हमारा गैमेट ट्रांसफर हो गया क्योंकि कईयों के अंदर क्या होता है कि मेल्स मोटाइल मेल गैमेट मोटाइल होता है फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता

इन सम द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन उन्हें हम क्या बोलते हैं होमोगेमिट्स या फिर आइजोग जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो ये हमारे क्या हैं ये हमारे हैं ये हमारे हैं मतलब होमोगेमिट मतलब दे आर सिमिलर ये एक जैसे लगते हैं ना कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे आइजोगेमिट यानी होमोगेमिट्स भी हम उन्हें बोल सकते हैं इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग टाइप्स दो डिस्टिंट टाइप्स के होते हैं हमारे एक मेल uh, होता है एक फीमेल होता है जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मेल गैमेट छोटा है फीमेल गैमेट बड़ा है और इनका अपियरेंस भी अलग है ये हमारे ह्यूमंस में भी देख सकते हो मेल्स का मेल गैमेट यानी हमारा जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है और मेल फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और दोनों की शेप में भी डिफरेंस है ओवा जो होती है वो स्पेरिकल होती है और स्पर्म जो है एलोंगेटेड होता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं हेट्रोगिट्स या फिर एन आइसोगिट्स इन्हें हम हेट्रोगिट्स के साथ साथ क्या बोल सकते हैं एन आइसोग आइसोगैमेट्स मतलब होमो और एन आइसोग मतलब ओके इन सच मेल गैमेट इज एंथ्रोजॉइड और स्पर्म और फीमेल गैमेट कॉल्ड द एग ओवा हेटरोगैमेट्स के अंदर क्या होता है मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग एग या फिर ओवम ओके शेल वी मूव टू स्लाइड, चलो प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उनको क्या बोलेंगे हम लोग बाय और जब उनके अंदर सिर्फ एक ही गैमेट होता है एक गैमेट होगा या तो मेल स्ट्रक्चर होगा या फिर फीमेल स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल जैसे कि इनका नाम ही बता रहे बाय का मतलब होता है टू और यूनी का मतलब क्या होता है वन इन सेवरल फंजाइन प्लांट टर्म्स सच एज होमोथेलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट द बाई सेक्शुअल कंडीशन एंड हेटरोलिक एंड डायोशियस फॉर यूनिसेक्शुअल यूनिसेक्शुअल की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस हेटरोलिक एंड डायोशियस डाई मतलब अलग अलग फ्लावर्स पे मौजूद होना हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स तो यूनिसेक्सुअल हेट्रोथैलिक डायोशियस जहां भी दिखे मतलब वो यूनिसेक्सुअल ही है और मोनोथे मोनोशियस होमोथैलिक या फिर बाइसेक्सुअल दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल ये होता है देखो ये हमारा बाइसेक्शुअल फ्लावर है इसके अंदर एंथर और स्टिग्मा मतलब एंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों हैं इसके अंदर सिर्फ यूनिसेक्सुअल है तो इसके अंदर सिर्फ एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि क्या होता है हमारा हमारा होता है स्टेमिन इसके अंदर सिर्फ स्टेमिन है उसके अंदर स्टेमिन और कार्पल दोनों है तो so, ये यूनिसेक्सुअल हो गया इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर अगर मेल है जैसे मैंने अभी पिछली वाली फिगर में दिखाया कि अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसे हम बोलेंगे स्टेमिनेट क्यों क्योंकि क्यों, उसके अंदर सिर्फ स्टेम प्रेजेंट होंगे है ना जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन ही प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टेमिनेट बियरिंग स्टेमिस वाइल्ड द फीमेल इज कॉल्ड एज वॉट दिसकॉल्ड एज पिस्टिल क्यों क्योंकि उसके अंदर कार्पल या फिर पिस्टल ही प्रेजेंट है

ये हमारा स्टेमिनेट सिर्फ इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है एंथर और फिलामेंट और यह हमारा पिस्टिलेट है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है जो कि हमारा पिस्टिल या फिर कार्पल अर्थवॉर्म स्पॉन्ज टेप वॉर्म एंड लीच टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाई सेक्शुअल एनिमल्स दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको और हम क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स जो कि बाई सेक्शुअल एनिमल्स होते हैं ये हमारे बाई सेक्शुअल एनिमल अर्थ होम जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, है. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है कॉकरोच इज एन ऑफ हम मॉस्किटो भी लिख सकते है, उसमें मेल और फीमेल अलग होती है, भी लिख सकते है अलग होते हैं है तो ये हो गया हमारा हर्माफ्रोडाइट्स और क्या होता है हमारे बायसेक् एनिमल्स होते हैं सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन गैमिट्स इन ऑल हेट्रोगेमैटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स मेल एंड फीमेल हेट्रोगेमैट मतलब दो गैमिट्स और वो उनको क्या होता है वो डिसिमिलर इन अपेयरेंस एक जैसे नहीं लगते हैं दिखने में अलग अलग लगते हैं गैमेट्स आर हैप्लोइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अरइज मे बी द डिप्लोइड और हैप्लोइड गैमेट्स क्या होते हैं गैमेट्स का प्लोइडि लेवल क्या होता है हमारा हैप्लोइड हैप्लोइड होते हैं अ हैप्लोइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन देखो जो अगर प्लांट अगर जो हमारे पेरेंट है वो डिप्लोइड होंगे ना तो उनके अंदर आ, मियोटिक मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन हो सकता है रिडक्शन करके वो क्या करेंगे हैप्लोइड बनाएंगे, है ना? अगर पेरेंट पहले ही हमारा क्या है हैप्लोइड है, तो उसको रिड्यूस तो कर ही नहीं सकते तो उसमें क्या होगा हमारा उसमें माइटोसिस होगा और उससे जो है हमें उससे हमें हैप्लोइड गैमेट्स मिल जाएंगे तो ये डिवीजन रहता है

इफ ए डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट जो मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ देखो जैसे ही क्या होता है हमारा एनजीओ के अंदर पोलन मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है उसमें एक बारी मीओसिस होता है दो हैप्लॉयड बनते हैं फिर दूसरी बारी मीओस होता है कितने चार हैप्लॉयड जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं और उसके बाद में पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो हैप्लॉयड बनने के लिए मियोसिस होना जरूरी नहीं है अगर आपका जो पेरेंट है वो हैप्लॉयड है तो उसके अंदर अगर माइटोसिस भी हो रहा है तो वो हैप्लॉयड ही आगे जनरेशन को देगा पर अगर वो डिप्लॉइड है तो उसको रिडक्शन तो करनी पड़ेगी तो मियोसिस होगा और उसके बाद में वो गैमेट्स है इन डिप्लॉइड और स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू इच गैमेट मियोसिस के बाद सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ही इनकॉर्पोरेट होता है मेल एंड फीमेल मस्ट बी फिजिकली बॉट टूगेदर इस बॉट टूगेदर को हम लोग क्या बोलते हैं गैमे ट्रांसफर मस्ट भी बॉट टूगेदर टू फेसिलिटेट द फ्यूजन देयर इज ए नीड फॉर अम थ्रू विच द गैमिट्स मूव इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एलगी ब्रायोफाइटोफाइट्स वॉटर इज द मीडियम अब गैमिट्स को पहुंचाना है मेल गैमिट्स को फीमेल तक अगर पहुंचाना है तो कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए होगा ना कइयों में वाटर होता है अगर प्लांट्स में पॉलीनेशन की बात करें तो विंड होती है इंसेक्ट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ मीडियम जब हम किसी भी चीज़ को कोई कोरियर करवाते हैं कोरियर करवाते हैं तो कोई ना कोई डिलीवरी एजेंट होता है ना कोई ना कोई डिलीवरी एजेंट होता है वैसे ही कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिसकी वजह से जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए प्रायोफाइट्स के अंदर वाटर मीडियम होता है और कईयों में और दूसरे मीडियम्स होते हैं जैसे मैंने अभी पॉलिनेशन का एग्जाम्पल दिया अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स बहुत सारे नंबर जो है मेल गैमेट के वो रीच नहीं कर पाते हैं फीमेल गैमेट्स को इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल इट हैज द एग पोलन ग्रीन दे आर प्रोड्यूज इन एंथर्स दे आर फोर दे आर ट्रांसफर टू द स्टिगमा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन बाई सेक्शुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लान एग्जाम्पल पीस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रीन्स टू द स्टिगमा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर्स एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ओके क्या होता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे एंथर से पोलन ग्रेन जा रहा है तो उसमें क्या होता है एंथर रिलीज करता है पोलन ग्रेन को और पोलन ग्रेन जाते हैं कहा स्टिग्मा पे पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है उसमें कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस रहता है क्योंकि एक ही फूल के अंदर या फिर एक ही पौधे के अंदर जो है फर्टिलाइजिंग हो रहा है यह होता है हमारा पॉलिनेशन। एक जगह से इसने एंथर से पॉलन ग्रेन उठाया और स्टिग्मा पे जाके छोड़ दिए कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो विंड, वाटर, इंसेक्ट मैंने यहां पे इंसेक्ट का दिखाया है बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलीनेशन पॉलीनेशन भी यही होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम

मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट भी फिजिकली बॉट टूगेदर टू फेसिलिटेट फ्यूजन देयर इज ए नीड फॉर मीडियम ओके ऐसा ही होता है हमारा ओवा जो है ये होता है इसके बाद में स्पर्म्स जो है यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं पर बहुत सारे नहीं फ्यूज कर पाते जो पहला पहुंच जाता है वो फ्यूज कर जाता है ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटिफर्स हनी बीज एंड इवन सम्स एंड बर्ड्स

लिजर्ड्स और बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है फीमेल पेरेंट ही आगे प्रोजेनी बना लेता है बिना फ्यूजन के उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद पार्थेनोजेनिक से ही उसी से क्लोन बन गया लिजर्ड का लिजर्ड का हु सेम क्लोन बन जाता है

टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स और प्लांट्स के अंदर कि जो सिनगैमी है सिनगैमी क्या होता है हमारा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सिनगैमी क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो कहा होता है इनसाइड बॉडी ऑफ द फीमेल तो उसे हम क्या बोलेंगे जब इनसाइड होता है तो वो बाहर था तो एक्सटर्नल अंदर है तो इंटरनल जैसे कि आप देख सकते हो हेन और कॉक किसके अंदर हो रहा है फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जैसे ह्यूमंस के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन सिंगी होती है नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या है एंड एम्ब्रियोजेनेसिस बनता है और वो फॉर्म करता है इनटू एम्ब्रियो इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइडोड डिप्लॉइड क्यों बोला क्योंकि हमने क्या देखा था कि गैमेट्स हमारे क्या होते हैप्लॉइड होते हैं तो दो गैमेट्स के यूनियन से क्या बनेगा हमारा डिप्लॉयडोड बनता है इट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जयगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर और जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इन द बॉडी ऑफ ऑर्गैनिज्म बनते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम दी जाइगोट पहले जाइगोट बनता है फ्यूजन से उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है उसमें क्या होता है सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है एम्ब्रियो का देखो ये होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स देन ई एस सेल्स देन सोमैटिक सेल्स देन उसके बाद में पोस्ट माइटोटिक सेल्स के ऐसे जो है सेल्स का डिविज़न हो रहा है और आगे वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं मतलब वो स्पेशलाइज हो रहे हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं हमारे जैसे लिम्स हैं हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे सेंसेस हैं वो सारे जो डेवलप होते हैं उसे क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body या फिर inside oviparous में क्या होता है जो egg laying होते हैं eggs जो बनते हैं सीधा इंडिविजुअल नहीं बनता जैसे कि हमारी बर्ड्स हो गई बर्ड्स क्या करती हैं एग्स ले करती हैं और उसके अंदर से जब उनका जो चूजा होता है ना जो उनका ऑर्गैन ऑफ होता है वो जब डेवलप हो जाता है वो हैच आउट कर लेता है पर विवी पैरस क्या होते हैं ऑस्प्रिंग्स देते हैं सीधा ऑस्प्रिंग्स देते हैं कोई अंडे वंडे से हैच नहीं होता है सीधा के सीधा जो है आगे ऑस्प्रिंग्स बनते हैं जैसे कि ह्यूमंस में हो गया अदर एनिमल्स में हो गया कैट डॉग इन सब में क्या होता है ऑस्प्रिंग ही बनता है अब विवी पैरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है और ओवी पैरस क्या होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है पैरस में इनसाइड साइड द फीमेल बॉडी जब पूरा एम्बरियोटस डेवलप हो जाता है तभी वो इजेक्ट तभी वो पार्चुरेशन के थ्रू जो है बाहर आता है पर ओवी पैरस में क्या होता है इमेचोर ही बाहर आ जाता है अंडा और उसके अंदर से हैचआउट तब होता है जब वो पूरा डेवलप हो जाता है इन ओवी पैरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाई हार्ट कैल्केरियस शेल्स आर लेड इन सेफ प्लेस इन द एनवाइट आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन ऐसे कुछ अंडे जो है बाहर आ जाते हैं पर अंडे में से जो उनका ऑस्प्रिंग है वो बाद में निकलता है जब वो मेच्योर हो जाता है वीवी और एनिमल्स जो होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स होते हैं द मैम डेवलप्स इन टू अंग वन इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग अ एज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चासेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमारे विवी पैरस में हायर रहते हैं पर ओवी पैरस में मिनिमम होते हैं चांसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ zygote इज फॉर्मड इनसाइड द ओव्यूल ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर विदर एंड दे फॉल ऑफ पिस्टिल रिमेन्स अटैच क्यों क्योंकि पिस्टिल के अंदर ही जो है हमारा दिन टू द एम एंड ओव्यूल्स द डेवलप इन टू दीड्स जो हम फ्रूट खाते हैं जो उसके अंदर सीड्स आती है वो क्या होते हैं असल में ओव्यूल्स होते हैं दिन टू द फ्रूट विच डेवलप अ थिक वॉल्ड और पेरिकॉप एंड इस प्रोटेक्टिव इन फंक्शन जो ओवरी होती है वो क्या होती है वो आगे फ्रूट में डेवलप हो जाती है जिसके आसपास जो है एक आउटर कवरिंग रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं पेरिका आफ्टर डिस्पोजल द सीड्स जर्मिनेट अंदर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स तो फ्लास का हमें पता चल गया क्या होता है प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो जो है ओव्यूल के अंदर बनता है ओव्यूल जाके सीड बन जाता है और जो ओवरी होती है वो क्या बनती है फ्रूट बनती है फ्रूट के आसपास एक लेयर बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिका तो आज हमने क्या देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली हम लोगों ने कवर किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके तीन फेजेस क्या होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या आता है गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसके अंदर जो जाइगोट है वो बनता है और जाइगोट क्या डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो जिसे हम बोलते हैं क्या एम्ब्रियो जेनेसिस थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल थैंक यू